फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टमी विद जैज। आज मैं बनाने जा रही हूँ न्योकी। ये एक इटालियन डिश है, बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 पोटैटोस, उसे मैंने बॉईल कर लिया है और पील करके हम उसे ग्रेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पोटैटो गर्म होने चाहिए जब आप उसे ग्रेट करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टैपियोका फ्लार, यानी साबुदाने का आटा, सूजी और स्वाद अनुसार नमक। क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका एक डो बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आस्ते से मिक्स करिएगा। ये बहुत ही स्टिकी होता है, आप चाहें तो इसमें और फ्लार ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टैपियोका फ्लार नहीं है, आप नॉर्मल मैदा भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से बाइंड करने के बाद इसके मैं पीसेस काट लूंगी और इससे बनाएंगे हम न्योकी। यहाँ मैं फोक की मदद से इसे शेप दे रही हूँ, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। यह हमारी न्योकी रेडी है, अब इसे हम बॉईल करेंगे। यहाँ एक बर्तन में मैंने पानी लिया है, उसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। पानी जब बॉईल हो जाए, इसमें जाएगी हमारी न्योकी। फ्लेम हाई रहेगी। न्योकी जब पानी के ऊपर तैरने लग जाए तो समझिए न्योकी पक गई है, और इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे। इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। साथ साथ एक पैन में मैं 1/2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ और इसमें हम अपनी न्योकी फ्राई करेंगे। न्योकी को ज़्यादा देर साइड में मत रखिएगा, वरना वो एक दूसरे से चिपक जाएगी। उसे साथ साथ ही आपको फ्राई करना है। इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसे 6 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक। और इसे धनिया और चीज़ से गार्निश कर दीजिए। आप चाहें तो चीज़ और डाल सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा ये डिश, ये बहुत ही हेल्दी डिश है। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।